राधे राधे बोल बांके भाई लाल की सियापति राम चंद की सही भक्तों को राधे। चलो राधे राधे गाइस। और आज मेरे व्लॉगिंग का स्टार्टिंग कर रहे हैं पंडित जी श्री बांके बिहारी जी के जयकारे के साथ। तो आप समझ ही गए होंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं इस वक्त। और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6 और हम जा रहे हैं सब श्री वृंदावन धाम। तो आज हमारे साथ जा रहे हैं पंडित जी, मेरे बड़े भैया और मेरी मम्मी और मेरे दो बच्चे तो जाते ही है हमेशा मेरे साथ, और मेरे हस्बैंड और मेरा प्यारा सा बड़ा बेटा प्रथम। तो हमें आज कराना है प्रथम को श्री बांके बिहारी जी का दर्शन। सांची और उत्कर्ष बैठे हैं पीछे सीट पर और वो कर रहे हैं खूब मस्ती। और गाइस प्रथम को भी आ रहा है यहाँ पर खूब मजा, वो बैठे अपने पापा के साथ और इसे आउटिंग करना बहुत पसंद है। ये देखिए प्रथम कितना खुश हो रहा है आज। और गाइस सुबह के 9:30 हम पहुंच चुके थे गोकुल, जहां पर हमने करना है रमन रेती जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हैं। थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँचने ही वाले थे और हम यहां पहुंच गए। और यहां पर प्रथम से भी सभी लोग उसको देखकर उससे प्यार कर रहे थे, उससे मिलने आ रहे थे। और गाइस अंदर रमन रेती में एंट्री करने से पहले वहाँ पर है हिरन पार्क, जहाँ पर साक्षी और उत्कर्ष उनको खिला रहे हैं जो। और गाइस आगे गजराज पार्क भी है लेकिन वहाँ तो हम जा नहीं पाए हम हिरन पार्क से। फिर हमने अंदर एंट्री करी यहाँ पर रमन रेती के लिए। अंदर एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा मंदिर है। आज उत्तर प्रदेश क्षेत्र मथुरा क्षेत्र में गोकुल धाम नगरी है भगवान की, बड़ी खुली नगरी जहाँ भगवान गैया चराते थे और अपने राष्ट्रीय की तरह से गैयों को लुभाते थे और जो उनके साथ बाल बाल आकर के गैया चराते थे। ये शुभ भूमि उन्हीं की माया नगरी है, प्रेम नगरी जिसे हम बोलते हैं। तो सभी प्रिय भक्त वृंदावन आए तो गोकुल धाम जरूर आना चाहिए और भगवान के दर्शन प्राप्त करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि निर्मलता प्रेमता शीतलता, भगवान से अगर कुछ लेना है तो प्रेम लेना चाहिए, यही भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है। और भगवान ने जीवन में सबसे बड़ा प्रसंग कहा है वो रस कहा है, उसे प्रेम का ही रस कहा है। और भगवान ने जो जो भगवान के शरण में गया है भगवान ने उसे दिए बिना कभी वापस नहीं किया। इसलिए साल को भगवान के शरण में जाना चाहिए और वृंदावन आए तो गोकुल धाम आकर के गौओं की सेवा करनी चाहिए, गौओं को प्रणाम करना चाहिए, यहाँ की रज को स्पर्श करना चाहिए और जो यहाँ आकर के आनंद लेना चाहिए। राधे राधे की जय। और गाइस यहाँ पर भी श्री बांके बिहारी जी और राधा रानी सरकार जी हैं जिनके दर्शन हम लोग कर रहे हैं और प्रथम को भी यहाँ पर करा रहे हैं। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर दर्शन हमको प्राप्त हुए। और यहाँ पर
भजन कीर्तन जिसका प्रथम खूब आनंद आ रहा है यहाँ पर। और गाइस ये वो जगह है जहाँ पर करते हैं रमन रेती, ये वो पवित्र स्थल है और हमें भी आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है रमन रेती करने का और साथ में प्रथम को भी रमन रेती कराने का। तो अब हम जा रहे हैं प्रथम को लेकर रमन रेती करने। अब हम गोकुल से निकल पड़े थे वृंदावन के लिए क्योंकि हमें करना था श्री बांके बिहारी जी के दर्शन और यहाँ पर हमारा रमन रेती हो गया था। तो अब हम चलते हैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन जब तक हम पहुँचे बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि वो करेंगे अब हम शाम को, तो इसलिए हम चले गए सबसे पहले निधिवन। तो यहाँ हो रहा है प्रथम का तिलक। और गाइस ये हम घूम रहे हैं निधिवन में और यहाँ पर हमें डर लग रहा था बंदरों का, इसीलिए हम सब देख रहे थे ऊपर क्योंकि वो फोन स्नैच करते हैं। और उसके बाद हम आए यहाँ पर केसी घाट यमुना जी पर और यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य है केसी घाट में जहाँ पर हम करेंगे बोटिंग। गाइस केसी घाट के बाद हम जा रहे थे गोपेश्वर मंदिर और गोपेश्वर मंदिर में शिव जी भगवान है नारी रूप में गोपी के रूप में, तो हम जा रहे हैं गोपेश्वर मंदिर। गाइस हम कर रहे हैं अंदर एंट्री और प्रथम को मैं चला के ले जा रही हूँ यहाँ पर क्योंकि इस मंदिर में ज़्यादा रश नहीं होता है, तो इजीली यहाँ प्रथम को हम कराएंगे दर्शन और बहुत अच्छे दर्शन हुए गाइस यहाँ पर। ये देखिए आप भी कर लीजिए दर्शन शिव जी भगवान के।
यहाँ पर शिव जी भगवान नारी रूप में विराजमान है। गाइस गोपेश्वर मंदिर के बाद हम जा रहे हैं वो भाग्यशाली दर्शन करने, जिसको करने आता है सारा विश्व। तो प्रथम को लेकर हम जा रहे हैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने, और हम पहुंच चुके हैं अंदर मंदिर में। ये देखिए प्रथम को व्हील चेयर के साथ ही हम लाए हैं अंदर मंदिर में। और गाइस उस दिन था संडे, संडे के दिन तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे दर्शन बहुत बहुत अच्छे हुए और हमने कराया प्रथम को भी दर्शन, और प्रथम भी यहाँ पर बहुत खुश हो रहा है दर्शन कर कर। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए, उसके बाद हम आया इस्कॉन टेम्पल। आइस्कॉन टेम्पल के बाद गाइस हम पहुंचे प्रेम मंदिर, जिसको रात्रि में देखने का यहाँ पर विशेष नज़ारा यहाँ पर आपको मिलेगा। ये वृंदावन का सबसे सुंदर और अद्भुत मंदिर है, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लाइटिंग से यहाँ पर कृष्ण जी की लीलाओं को दिखाया गया है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पर। और गाइस आगे है गोवर्धन पर्वत की लीला भगवान श्री कृष्ण जी की। और गाइस ये सब दर्शन हमने किए एक दिन के अंदर, और हमारे दर्शन हुए सफलतापूर्वक, और हम लौटे घर को।